करती हूँ। डांसिंग मेरा पैशन है, डांसिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा, मेरा छोटा भाई और मेरी एक बड़ी बहन है। मेरी फैमिली ने मुझे बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है और उनका एक सपना था कि मैं आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, जैसे हर एक पेरेंट्स का होता ही है कि उनके बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल हो जाएं। सो मैं अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मेरा नेचर शुरू से थोड़ा साइको टाइप का है, मैं किसी के साथ ज़्यादा मिलजुल के रहना पसंद नहीं करती, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ मैं खुश रहना पसंद करती हूँ। मेरी हॉबीज डांसिंग के साथ साथ सिंगिंग, रीडिंग बुक्स और हाँ ट्रैवलिंग भी हैं, और दोस्तों के साथ फन मस्ती तो चलती रहती है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड बिहार से है और जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहाँ पे डांस करना या बच्चों का टीवी पे बैठना वो अच्छा नहीं समझा जाता था, तो मैं उस सोसाइटी से ऊपर आई हूँ। मेरे पेरेंट्स का मैं थैंक यू करती हूँ कि वो मुझे ऐसे सोसाइटी में लेके आए हैं जहाँ ये सब होता है, लड़कियों को टैलेंट का मौका दिया जाता है, और मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। और मैं उन सोसाइटी वालों को ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों के जो पंख हैं उन्हें काटना नहीं चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उनमें जो जितना टैलेंट है उतना और किसी में नहीं होता, तो आप उनको एक मौका दो ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। मेरे मम्मा पापा की मैं शुरू से ही बहुत लाडली थी, बड़ी बहन और छोटे भाई से सबसे ज़्यादा मैं लाडली थी। मुझे प्यार से सुबह उठाया जाता था, अगर मैं 9 बजे तक भी सोऊं तो मुझे कुछ नहीं बोलते थे मम्मा, और पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और मैं भी पापा को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं हम तीनों का, हर रोज़ नई नई डिशेज बना के देना, उनका शौक है कुकिंग करना, वो किसी और को नहीं देंगी बना के, सिर्फ हमें ही देंगी कि हाँ सिर्फ हमारे बच्चे खाएं। अगर हम स्कूल में भी करें कि हाँ हम शेयर करके खाएंगे, मम्मा बोले डांट के बोलेंगी नहीं किसी और को नहीं देना सिर्फ खुद ही खाना है, तो इतना प्यार था मम्मा का कि आज भी अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो मम्मा मुझे इतनी सारी डिशेज बना के देंगी कि बैग सारा सिर्फ डिशेज से भर जाता है और कुछ कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं होती उसमें। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही मस्ती मजाक करने वाले हैं, वो बेसिकली मुझे हर एक फील्ड में सपोर्ट करते हैं। उनका नेचर ये नहीं है कि अगर मैं किसी और के साथ जाऊँ तो वो जैसी करें। मेरे फ्रेंड्स हरजीत, पलविंदर, क्लासमेट्स कोमल, अंजलि, सुखप्रीत, रोजनजीत, ये सब हम क्लास में बहुत मस्ती किया करते थे। सारा साल हमने स्टडी नहीं की, सिर्फ मस्ती की है बेसिकली, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर था स्कूल में। सो मैं टीचर से भी सॉरी कहना चाहूँगी पहले तो कि हमने इतनी मस्ती की, आपकी कोई बात नहीं मानी। और लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मैं आपको पूरा 100% रिजल्ट दूँगी, और जैसे कि आपका सपना है कि हाँ मैं आगे कुछ करूँ तो मैं आपका सपना भी ज़रूर पूरा करूँगी। फास्ट फूड में इसे वो क्या बोलते हैं अपने, नूडल्स, वो तो हम बहुत खाते हैं साथ साथ में। ये तो मेरे लिए तो छोटी नहीं है बिल्कुल भी। स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छी है, स्टडी के मामले में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, मेरे साथ भी नहीं। मुझे पपी बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं इतने क्यूट लगते हैं ना, मेरे घर में मेरी मम्मा नहीं रखने देती, लेकिन मैं मम्मा से चोरी हो गई ना, जो हमारे साथ में जो नेबर्स ने पपी रखे हुए हैं तो मैं उनको खाना खिला के आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कहना। लेकिन बड़े बड़े जो होते हैं उनको नहीं पसंद मुझे, उनसे बहुत डर लगता है। मुझे वोट जरूर कीजिएगा, वोट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है एंड देन बेल आइकन पे प्रेस करना है।
आपका एक एक लाइक और कमेंट मेरी वोटिंग लिस्ट में काउंट होगा। और हाँ, दूसरों के वीडियोस को डिसलाइक करना मत भूलिएगा।